वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक बात, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए दिक्कत वाली बात। आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इसने पैरासिटामोल, पैरासिटामोल क्या? पेन किलर। पैरासिटामोल क्या? बुखार की दवा। उसकी प्रोडक्शन, उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत करी, इसीलिए स्टॉक को रडार पर रखा है। 725 वाला स्टॉक 450 में वैसे ही कामकाज कर रहा है। ब्राज इंडस्ट्रीज, अच्छा वीकेंड पे कुछ न्यूज पैक्स थे उसमें, एक दोनों स्टॉक आगे वाले ऐसे ही हैं। ब्राज इंडस्ट्रीज इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट डिस्टिलरीज को पुश देने की तैयारी कर रहा है, तो इस देश में इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ाने की और कोशिश करी जा रही है पुरजोर, क्योंकि 2025 तक हमारा ब्लेंडिंग टारगेट है 20% का, 20% ब्लेंड करना है। तो सरकार ने 6 महीने और विंडो खोल दी है, फ्रेश एप्लीकेशंस इनवाइट करी जा रही हैं नई डिस्टिलरी सेटअप करने के लिए, एग्जिस्टिंग डिस्टिलरीज को एक्सपैंड करने के लिए इथेनॉल के लिए। तो प्राइज इंडस्ट्रीज क्योंकि वो सेटअप प्रोवाइड करने में मदद करता है, इसीलिए इसको रखा रडार पे, इन ग्रीन रखा है। बाजार कमजोर है, ध्यान से चलिएगा आज के दिन। बीपीसीएल रखा है पर बीपीसीएल रेड में है। एक और न्यूज पैक था, मेरे ख्याल से बाजार को पता था, ये कई जगह रिपोर्ट भी हो रहा था कि डाइवेस्टमेंट ऑफर गया। वीकेंड पे अनिल अग्रवाल साहब, वेदांता पीएलसी के चेयरमैन साहब, जो कि एक बहुत पोटेंशियल बिडर माने जा रहे थे बीपीसीएल के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि गवर्नमेंट ने बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट ऑफर विड्रॉ कर लिया है। अब वो रिवाइज प्लान के साथ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफर लेकर आएगी सरकार, पर ये कई जगह रिपोर्टेड था, कच्चा तेल ठंडा पड़ गया है, तो ये सब ध्यान रखिएगा बीपीसीएल को लेकर। और बीपीसीएल वैसे भी 500 वाला स्टॉक ठंडा इसीलिए पड़ रहा था क्योंकि बाजार मान के चल रहा था डिसइन्वेस्टमेंट ऑफर जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है। इफ्स एंड बट्स के साथ इसको रख दिया है मैंने, खबर तो बुरी है, लाल में रखा है। ओके, अगले जो दो स्टॉक है उसमें देखिए सब समस्याएं हैं। माइथन एलॉयस करके कंपनी, उसने सूचना दी है कि आंध्रा में उनके कामकाज पे असर आ रहा है, प्रोडक्शन कट करना पड़ रहा है क्योंकि पावर कट हो रही है। हम लोग लास्ट वीक बहुत चर्चा कर रहे थे, बातचीत हुई थी कि कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है पावर का, कोयला का इशू भी है क्या, तरह तरह के इश्यूज हैं। अब वो हालांकि केंद्र सरकार ये एकदम स्पष्ट कर चुकी है कि कोयले की कोई समस्या नहीं है, आप लोग उसको लीजिए। अच्छा, ये लोग लेना नहीं चाहते तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो इम्पोर्टेड कोल वाला उसको कम कर दिया क्योंकि महंगा पड़ रहा है, और चाहते हैं डोमेस्टिक ही मिल जाए तो आपके जो एलोकेटेड कोटा है उसी मिलेगा। लेकिन बहरहाल कारणों की अलग व्याख्या है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया और कंपनी इसका दे रही है। आखिरी स्टॉक है छठवां, HDFC बैंक। लास्ट वीक बहुत अच्छा इसने रिकवर करने की कोशिश की HDFC बैंक ने, लेकिन फिर उसमें दबाव देखने को मिला। मुझे लगता है अभी प्रेशर रहेगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट में अगर प्रेशर है, बैंक निफ्टी दबाव में कर रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि इस पर दबाव, बैंक में से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्जर के बाद जिस दिन ये घोषणा हुई थी उस दिन के बाद से स्टॉक में लगाता था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें और प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए इसमें रेड में ट्रेड हो सकता है। 15.5 रुपये का डिविडेंड देने की कोशिश करी थी वीकेंड पे, आप समझेगा नहीं 1500% है ना, 15 गुना वो फेस वैल्यू पे है, लेकिन 15.5 रुपए का डिविडेंड, लेकिन ठीक है डिविडेंड मीट थी वो सैटरडे को। ठीक है, तो HDFC बैंक को भी रखेगा रडार पे। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार